नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज 23 नवंबर 2022 बुधवार, और आज के दिन से शिक्षा विभाग की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। खिलवाड़, NCTA से बीकानेर व अजमेर के राज के BEd कॉलेजों की मान्यता निरस्त है, फिर भी प्रवेश देकर लगा रहे स्टूडेंट के भविष्य दांव पर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, NCTA ने शिक्षा सत्र 23-24 से मान्यता रद्द कर सूचना भी प्रसारित कर सरकार के अनदेखे पड़ी। छात्रों पर भारी, 5 सरकारी कॉलेज बंद होने पर भी नहीं चेते। देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरी न्यूज़। PIL के बाद गिरी गाज, शिक्षक संसाधन का टोटा। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन 30 तक राज्य के महाविद्यालय में। 17-22-23 के प्रवेशित नियमित रूप से अध्ययनरत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन के फ्रेंड्स से डेट बढ़ा दी गई है। 30 तक कर सकते हैं आवेदन आप। 48 पेज पढ़कर सीखे मास्टर जी शतरंज सिखाए, बच्चे समझ नहीं पाए। फ्रेंड्स देख सकते हैं पूरी न्यूज़। यह कारण है शतरंज खेल शुरू करने का। विद्या संबल, कॉलेज शिक्षकों का खुद का संबल डगमगाया। हर पल रवानगी के खोप के साए में पढ़ा रहे हैं, एक हाथ में निवाला दूसरे से छीन रहे हैं। सुविधा नीति में शामिल करने की मांग। सरकार ने पूरे सत्र नियुक्ति की गुहार पर टरका रही है, और नई नियुक्तियों में तबादले पर अतिथि शिक्षकों के सामने भूखम मरने की नौबत है। फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़ाई थी RU मुख्य परीक्षाओं के आवेदन अब 7 दिसंबर तक। राजस्थान विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 23 के लिए ऑनलाइन आवेदन फ्रेंड्स पहले अंतिम तिथि से पहले ही बढ़ा दी है। फ्रेंड्स पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दिया है। फ्रेंड्स, कोटा के कोचिंग संस्थान संडे को बनाए फंडे। देख सकते हैं कोचिंग संस्थान गाइडलाइन की पालना करें, कोचिंग हॉस्टल संचालकों के साथ बैठें, नियमित समीक्षा होगी, फीस व रिफंड पॉलिसी पारदर्शी करें। RTE की भौतिक सत्यापन की तिथि बढ़ाकर अब 30 नवंबर। श्रीनगर गंगानगर जिले के प्रशासनिक में माध्यमिक के 845 स्कूलों के 21,000 विद्यार्थियों का किया जा रहा है भौतिक सत्यापन। जिले में गैर सरकारी विद्यालयों के RTE फ्रेंड देख सकते हैं यह जांच दल का कार्य क्या क्या रहेगा। निदेशालय ने जिला अधिकारियों से मांगी सूचना। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सुविधा नियमों से लगेंगे 10,000 शिक्षक, 12 नहीं 7 पद ही होंगे स्कूल में। बीकानेर, 66 शिक्षा अधिकारियों के आदेश पदोन्नति। उपप्राचार्य पद के लिए DPC की अस्थायी सूची जारी। जी हाँ फ्रेंड, सरकारी स्कूल में उपप्रधानाचार्य पदों की विभागीय पदोन्नति वर्ष 2022-23 के लिए अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, और इसमें 31,215 नामों को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, PDLED सफल अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से 23 नवंबर से की जाएगी, और इसकी अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, पेपर लीक की घटना युवाओं से खिलवाड़। जयपुर जंक्शन पर रेल मंत्री वैष्णव बोले, जल्द मिलेगी वंदे मातरम ट्रेन, पुष्कर रेल लाइन की मेरता जोड़ने की घोषणा। रोजगार मेला, हर माह मिल रहा 16 लाख को रोजगार। अजमेर, 50 उपनिदेशक, 15 संयुक्त निदेशक और 1 अतिरिक्त निदेशक और पदोन्नति आदेश जारी। एकमात्र अतिरिक्त निदेशक जो हुए सेवानिवृत्त है। 30,000 से अधिक उपप्रधानाचार्य पद के लिए DPC अस्थायी सूची जारी, और PDLED परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से। मेडिकल कॉलेज में 4 अतिरिक्त प्राचार्य नियुक्त। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय वर्ष 2022-23 में 3 घंटे का पेपर, पूरे सिलेबस से कराई जाएगी परीक्षा, तैयार हो रहे हैं सिलेबस से, और 2019 की तरह होगी परीक्षा, खत्म होगा पुराना फॉर्मूला। देख सकते हैं फ्रेंड, 3 घंटे के पेपर विषयवार होंगे। पेपर में 900 अंकों के प्रश्न होंगे, सभी सेक्शन में हल करने होंगे प्रश्न। फ्रेंड्स, कृषि विषय की छात्राएं प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, सभी छात्राएं पात्र। अंतिम तिथि 30 नवंबर है फ्रेंड्स, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। होती विभागीय अधिकारियों के अनुसार सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्रों को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। फ्रेंड्स, पोर्टल पर पिछली कक्षा के अंक तालिका मूल निवास जन आधार के साथ आवेदन किया जाएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं पूरी न्यूज़, आराम से पढ़ सकते हैं आप। चिकित्सा विभाग ने 6 में से 3 भर्ती की विज्ञप्ति जारी की, जल्द प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के 1700 पद, लिखित परीक्षा होगी। फार्मासिस्ट व दवा केंद्रों की व्यवस्था मिलेगी राहत है। ANM के लिए 1155 पद, नर्सिंग ऑफिसर के पद बढ़े। शिक्षकों के पद खाली होने से भी पढ़ाई प्रभावित है। अर्धवार्षिक परीक्षा 8 दिसंबर से, 10वीं 12वीं का 100% सिलेबस आएगा, लेकिन पढ़ाया सिर्फ 75%। दूसरे कामों में लगने से सिलेबस पूरा नहीं हो सका। फ्रेंड, CGL परीक्षा 1 दिसंबर से, एडमिट कार्ड जारी।
विपरीत दिशा में जाने के लिए थोड़ी सी प्रतिभा और बहुत सारे साहस की जरूरत होती है। अप्रेंटिस के 2521 पदों पर नौकरी के अवसर, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे, 17 दिसंबर अंतिम तिथि। फ्रेंड्स देख सकते हैं वेबसाइट आपके सामने दी हुई है। फ्रेंड्स यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। बीकानेर 66 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश, फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। सहायक प्रोफेसर की 46 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, श्री अरविंद महाविद्यालय चांदू DU। सफाई कर्मी पद के लिए 8वीं उत्तीर्ण आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं वेबसाइट आपके सामने दी हुई। फ्रेंड कुल 4 पदों को भरा जाएगा इसके अंतर्गत है। कार्यालय प्रधान प्राचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। फ्रेंड्स देख सकते हैं कृषि महाविद्यालय में शैक्षणिक स्तर 22-23 में प्रथम सेमेस्टर में अध्यापन हेतु गैस फैकल्टी के रूप में। फ्रेंड्स देख सकते हैं महाविद्यालय का नाम और आवेदन योग्य विषय। फ्रेंड्स इसके लिए वेबसाइट दी हुई, यहाँ से आप 28/11/2022 है फ्रेंड्स इसकी अंतिम तिथि, ऑनलाइन देख सकते हैं। कार्यालय जिला परिषद बूंदी विज्ञप्ति। फ्रेंड्स कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 की विज्ञप्ति 386 पदों के लिए जारी की गई थी। फ्रेंड्स आज देख सकते हैं पूरी न्यूज़, आराम से वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं पूरी विज्ञप्ति आप आराम से। और ये कार्यालय जिला परिषद उदयपुर प्रेस विज्ञप्ति, ये भी कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 से संबंधित है। फ्रेंड्स वीडियो रोककर आप आराम जरूर पढ़ना इसे। और फ्रेंड्स ये वो 10 क्वेश्चन जो रोजाना आपको नोट करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं रोजाना आपको बोलता हूँ 10 क्वेश्चन, महीने के 300 क्वेश्चन। फ्रेंड्स तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी कितनी तैयारी होती है। फ्रेंड्स तो आज के दिन से शिक्षा विभाग की फ्रेंड्स जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकी वो सारी की सारी हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, प्यारा सा कमेंट तो जरूर करना। फ्रेंड्स किसी भी कोई न्यूज डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद जय भारत।